आज चलते हैं नीमराना फूड पैलेस में और करते हैं एक रूम टूर। और इस पूरे होटल में ना स्टेयर्स या लिफ्ट्स नहीं है, मोस्टली ऐसे रैंप है। तो अगर आपके साथ एजिड लोग हैं या बच्चे हैं तो थोड़ा आपको रिकंसीडर करना पड़ेगा। भाई ये अपना रूम गगन महल, ये दिखाइए स्टेयर्स। हाँ तो भाई अपने रूम के बिल्कुल नीचे ही बार है और ये है गगन महल। सब पुराने घरों में जो छत पे जाने की सीढ़ियाँ होती थी ना, वैसा है एकदम। तो हम बैठ सकते हैं मस्त। बाकी भाई रूम टूर से पहले मैं आपको व्यू दिखा दूँ यहाँ बालकनी से। ये देखो ये एकदम गजब व्यू आएगा यहाँ से ना, पूरा फोर्ट दिख रहा है बेसिकली वो एरिया में। उधर पार्किंग है, अब आई डोंट नो वो सामने भी कुछ पब्लिक के लिए रूम्स हैं कि प्राइवेट एरिया है, बट वो भी अच्छा सा लग रहा है। और ये नीचे जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट है इनका, और हवा महल जो रेस्टोरेंट है उस वो है यहाँ पे, और बार है। बाकी ये सब ओपन एरिया है, यहाँ पे आप शाम को जाके बैठ सकते हो। तो काफ़ी सही लोकेशन है। तो भाई ये जो हमारा रूम है ना, ये इसकी एंट्री है। तो बेसिकली यहाँ से हम आए थे, तो ये एक और मेन, एक पहला मेन गेट ये है, तो इसे कर देते हैं बंद। तो अब अगर मैं घूमूं तो इस मेन गेट के बाद आता है ये पूरा का पूरा टेरेस है। यहाँ पे बैठने के लिए दो चेयर दी हुई है, छोटी सी टेबल है, और ये पूरा टेरेस है। रात को यहाँ पे लाइट्स वाइट्स जल जाएंगी तो काफ़ी सही लगेगा। बाकी यहाँ पे फील वही है सब, एकदम पुराने ज़माने वाली। तो आई थिंक इन्होंने बस पेंट वेंट किया और कुछ एसी वगैरह लगाया, उसके अलावा रूम में आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। बाकी ये पूरा यहाँ से नीमराना गांव आप देख सकते हो, ये देखो। तो यहाँ पे कुछ पार्टी वार्टी हो रही है गांव वालों की, वो देखो टेंट वेंट टेंट लगे हुए हैं ना, कुछ पार्टी वार्टी हो रही है, तो गाने चल रहे हैं काफ़ी। और ये सब नीचे सिटिंग एरिया है, कुछ रूम्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा टेरेस है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो शाम को, आई थिंक मौसम अच्छा रहेगा तो। और ये कुछ नीमराना का जो फोर्ट है जिस हिल के ऊपर है, ये वो पूरी हिल है लश ग्रीन, और मॉनसून में और भी ज़्यादा ग्रीनरी हो जाती है। बाकी यहाँ से अब हमारा रूम मेन स्टार्ट होता है, तो ये हमारे रूम की मेन एंट्री है। ठीक है, तो ये वाइट कलर का जो गेट है ये मेन गेट है, एक मेन गेट ये है, यहाँ से हमने एंट्री करी, ये टेरेस आया, और अब ये रूम की एंट्री का मेन गेट है। तो मैं रूम दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा रूम है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं, एक एसी है, बाकी थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, चाय कॉफ़ी वगैरह है, एक छोटी सी टेबल रखी हुई है जहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हो, आपको एक एसी मिल जाएगा, एक फ्रिज मिल जाएगा, और फ्रिज के अंदर कुछ कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट्स ये सब चीज़ें भी हैं। उसके अलावा रूम के अंदर ही आपको एक विंडो मिलेगी जिससे फोर्ट के अंदर का आप व्यू देख सकते हो। तो ये सब फोर्ट के अंदर का व्यू है, बाकी ये ओपन भी हो जाएगी अगर आप चाहो तो ओपन करके, और अगर अच्छी हवा चल रही हो तो आप ओपन कर सकते हो, बट अभी तो ह्यूमिडिटी है तो अभी बंद कर देते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे आप अपने कपड़े टांग सकते हो, बेसिकली ऐसे कोई वार्डरोब नहीं है पूरे रूम में, तो यहाँ पे इन्होंने कपड़े टांगने के लिए ये स्टैंड दिया हुआ और कुछ हैंगर्स है, वार्डरोब नहीं मिलेगी आपको रूम में। तो बाकी ये बेड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक क्वीन साइज का बेड होगा, तो ज़्यादा बड़ा बेड नहीं है क्योंकि रूम्स यहाँ पे ना सारे छोटे छोटे ही हैं, बट गगन महल स्टिल थोड़ा सा बड़ा रूम है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बिल्कुल बेसिक रूम की बात करूँ। ठीक है, यहाँ पर एक लैम्प है और एक ये छोटी सी टेबल चेयर है, आप स्टडी टेबल मान लो या कुछ भी छोटा मोटा काम करना हो, और कुछ ब्लाइंड्स दिए हुए हैं। यहाँ से फिर वही व्यू है जहाँ से हमने एंट्री की थी, ये है और
इसके अलावा जो सबसे सही पार्ट मेरे को इस रूम का लगा वो ये बैठने का एरिया है। ये काउच बहुत सही लग रहा है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, एकदम छोटा सा कोजी सा कॉर्नर इन्होंने बना रखा है। तो आप पार्टी वार्टी कर सकते हो, मज़े से चाय कॉफ़ी पी सकते हो पूरा विंडो वगैरह खोल के, और क्योंकि प्राइवेट एरिया है तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप अपना मेन गेट लॉक करके रखो। तो काफ़ी मतलब कोजी सा लग रहा है, ये पर्सनल स्पेस काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा यहाँ पे अपना है वॉशरूम, तो इस वाले रूम को बुक करने का एक और रीज़न था क्योंकि यहाँ पे मिलता है बाथटब। बाथटब भी एकदम इन्होंने खोपचे में बनाया हुआ है, देखो एकदम कोने में है, ठीक है। उसके अलावा ये हल्के होने वाली जगह है और ये आपका वॉश बेसिन। तो यहाँ पे जो रूम आपको मिलेंगे ना नीमराना में, मतलब बेसिक रूम्स हैं, साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, बस आप एक हेरिटेज प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हो वो एक पॉइंट है। और ऊपर से यहाँ पे आपको किसी भी रूम में टीवी नहीं मिलेगा क्योंकि इनका कुछ पॉलिसी है कि रूम्स के अंदर टीवी नहीं, आप थोड़ा नेचर से कनेक्ट होने के लिए आ रहे हो, तो टीवी किसी भी रूम में नहीं मिलेगा आपको। बस बेसिक एमिनिटीज़ एसी, फ्रिज, चाय कॉफ़ी और इलेक्ट्रिक केटल, उसके अलावा यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ आपको रूम में नहीं मिलेंगी। खाना रूम के अंदर अलाउड नहीं है, तो जब भी आपको कुछ खाना पीना हो तो आपको रेस्टोरेंट में ही जाना पड़ेगा। अब आई डोंट नो, हम अपने साथ थोड़ा बहुत लेके आए हैं तो वो तो हम रूम में ही खाएंगे, बट उसके अलावा रूम में सर्व नहीं करेंगे ये लोग कुछ भी। तो अगर आपको कुछ खाना है, कुछ भी पीना है, तो आपको नीचे रेस्टोरेंट्स में ही जाना पड़ेगा।